ठीक है, अगर सिंपल से ब्लीडिंग हुई कट हो गया और ब्लड बदन से बॉडी से निकल गया फिर क्या होगा? क्योंकि ये ब्लड यहां तक पहुंचना चाहिए तभी सर्कुलेट होगा हर जगह ब्रेन तक, अगर नहीं पहुंचा जान जाएगी। ठीक है, प्रिवेंट द बैड कंडीशन अकवर्ड कंडीशन। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर में जितना मूवमेंट होगा उतना ज्यादा उसका बढ़ता जाएगा इंजुरी। एक मैंने एग्जांपल लिया। इसके अलावा अगर कट हो गया, बर्न हो गया, बर्न में भी या इलेक्ट्रिक शॉक हो गई, लाइफ को बचाने का। फिर दूसरा क्या है, प्रिवेंट द कंडीशन गेटिंग वर्स, यानी कि जो खराब कैसे उसको बाहर वापस निकालें। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, डेथ हो सकता है या इससे बुरा हो सकता है, तो आप जान रहे हैं। और प्रमोट रिकवरी, अगर कोई दुर्घटना हुई तो फिर कैसे उसको रिकवरी पोजिशन पर लेकर आए। ये फर्स्ट तीन पीस पर डिपेंड है। तो फर्स्ट सेफ्टी गाइस, आपको यह ध्यान रखना होगा, ये तो अभी इनको मैंने बेहोशी की अवस्था है ना, या क्या कहते हैं हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम, अचेत सचेत क्या कहते हो, अचेत है ना, वो अवस्था जहां पर ब्रीदिंग तो चल रहा, सांस चल रही है, बट वो होश में नहीं है, वो पेशेंट जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बता नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अचानक से, आपने सुना होगा, अचानक से किसी का हार्ट क्लॉट कर गया, ठीक है, ब्रीथ बंद, हार्ट ब्रीथिंग बंद कर गई, उसके बाद ब्लीडिंग दो तरह का है, नॉर्मल ब्लीडिंग कट के बाद और सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। उसके बाद बर्न फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हम जानेंगे ब्रोकन बोन्स और फ्रैक्चर। तो ब्रोकन बोन्स का मतलब बोन डिसलोकेशन कहते हैं, बोन अलग हो गया एक दूसरे से, हड्डी अलग हो गई। फ्रैक्चर का मतलब वो हल्का सा फ्रैक्चर फिर लाइन वो आया। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक में कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक होता है किसी को तब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, उसके बाद हम जानेंगे कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट। कट होता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, नॉर्मल एक कंडीशन में चलता होगा साइड पर, फर्स्ट एड होते हुए कट तो होता ही होगा, मैनुअली अगर लिफ्टिंग कर रहा कट होगा। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है, क्या फर्क है, हम जानेंगे जब ट्रीटमेंट पास चलेंगे। तो उसके बाद हीट एग्जॉशन, गर्मी के दिनों में हीट एग्जॉशन और साथ में हीट स्ट्रोक, ये दोनों गर्मियों में होता है, दोनों में अंतर क्या है वो भी हम सीखेंगे आज। हाइपरथर्मिया, ये ठंड के दिनों में, अभी ठंड में चल रहा मौसम, इसमें होगा, हम जानेंगे। उसके बाद और जानेंगे आई इंजुरी। ओके, आई इंजुरी, स्नेक बाइट आई इंजुरी, आंखों में कोई कण जा सकता है, पार्टिकल जा सकता है, या फिर केमिकल स्प्लैश कर सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। उसके बाद स्नेक बाइट और स्पाइडर बाइट, ये सारे जो आपको दिख रहे कंटेंट ये सीखेंगे यहाँ पर आज। ओके, आगे बढ़े, गुड। तो सबसे पहला बात आती है किसकी, टू द विक्टिम, जो विक्टिम है जिसको कहते हैं दुर्घटना जिसके साथ घटी है उसको हेल्प पहुंचाते हैं। हेल्प पहुंचाने के लिए मुझे जानना होगा, असेसमेंट करना होगा कि हुआ क्या है इसको, इतने सारे कंडीशन है, इस कंडीशन में से हुआ क्या। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो क्या ट्रीटमेंट दोगे, कौन सा दोगे। तो पहला मुझे आइडेंटिफाई करना, ब्रिंग हेल्प टू द विक्टिम। एंड थर्ड हम जान लेते हैं चेक एबीसीज। एबीसीज को बता सकते हैं एबीसी का मतलब, एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहला काम आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, अगर एक पेशेंट गिरता है, ठीक है, कहीं से उसको ब्लीडिंग हो रहा है, चोट लगा है, लेकिन उसकी सांसें भी बंद हुई, तो सबसे हट के नहीं आएगा, इसमें टाइम नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपके पास टाइम है उसको सेव करने का, तो सबसे पहले हम एबीसी चेक करेंगे। एबीसी ए से जेड वाला नहीं, ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ओके, उसके बाद लास्ट डू नॉट फर्दर हार्म का मतलब, अगर आप इंश्योर नहीं हो, आप नहीं जानते हो ट्रीटमेंट, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है, और अगर करेंगे तो ज्यादा डेंजर हो सकता है, तो फिर आप हाथ नहीं डालो, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो, या जो जानता है वो करेगा। डू नॉट फर्दर हार्म बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जानते नहीं हो ट्रीटमेंट, अगर कोई हाथ डाल रहे हो फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो देसी दवा भी करते हैं ना, मैंने साइट पर देखा है, शराब में भी देखा होगा, अगर किसी को सांस बंद हो गया तो अनकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि वो सांस तो ले रहा है, ठीक है, बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हाथ उठाया ऐसा गिर गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जानना कि कैसे समझ में आया कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये ज्यादा जरूरी है। वो अनकॉन्शियस है यानी बेहोशी की अवस्था, वो तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसका अलग तरीका बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वो सांस ले रहा या फिर नहीं ले रहा है। तो जैसे आप लोगों ने सबने अलग अलग बताया, किसी ने कहा कि ऐसा हाथ रखेंगे, किसी ने कहा कि चेस्ट पर रखेंगे, नाड़ी ढूंढेंगे, पल्स ढूंढेंगे, और किसी ने कहा कान लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मेडिकल साइंस में रिसर्चर्स ने बताया कि फर्स्ट एड को कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, करेंगे क्या फिर। तो कान तक तो सही था, तो कान क्या करेंगे, अपने कान को पेशेंट के नाक पर लगाएंगे,
और वो थोड़ी से थोड़ी भी ब्रीदिंग होगी पता चल जाएगा, जिसे कहते हैं सांस डूबना वो भी पता चल जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी को पता करने का कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसका हार्ट बीट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप चेक करो, आज क्या लगा ठीक है, कुछ पता चल रहा है नहीं पता चला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सबको पता चल रहा है ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है, सबसे श्योर एंड सर्टेन तरीका यही अपनाएंगे, अपने कान को और या फिर बहुत से लोग कहते हैं चीक्स, गाल को, गाल बहुत हार्ड हो जाता है तो कान को लगाकर चेक करते हैं कि ये सांस ले रहा, ब्रीथ कर रहा कि नहीं कर रहा। तो एक चीज तो पता चलेगा कि वो सांस ले रहा। अब बात करते हैं कि हमने बात की टो टू टो टू हेड या हेड टू टो हमें चेक करें कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए हाथ ऐसे उठाया और ये हाथ अगर गिर गया अपने से मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और अगर पैर से उठाया थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगभग मैक्सिमम 12 इंच उठाया गिर गया मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब उसके बाद क्या, आपने देखा होगा फिल्मों में जरूर देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं, पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, क्या मुझे पहचान रहे हो, और ये गाल हिलाते हुए ध्यान से सुन लेना ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या मुझे पहचानते हो, ये पूछना जरूरी है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दूसरा तरीका है वो शोल्डर को क्या आपको होश है, हाँ चेकिंग करना ठीक है, तो मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, बेहोश है। तो जानना जरूरी कि बेहोश हुआ क्यों, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसका भी ट्रीटमेंट चाहिए, फिर सांस तो चल रही है बट इसका ट्रीटमेंट चाहिए। इसको हम कहते हैं रिकवरी पोजीशन। उस रिकवरी पोजीशन कैसे करेंगे हम देखते हैं, बट जानना जरूरी है कि वो सांस क्यों नहीं ले पा रहा, सांस तो ले रहा, अब क्या कर रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी बेहोश है। तो बेहोश किस अवस्था से हो सकता है, क्या लगता है बेहोशी की अवस्था, बेहोशी की अवस्था क्या क्या हो सकता है कुछ बताओ, गर्मी लगने से ब्लड मतलब हीट स्ट्रोक ठीक है, और डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन के मेंटल ट्रॉमा जिसको कहते हैं, किसी ने शॉकिंग सैड न्यूज सुनाया और बेहोश हो गया ठीक है, खाना नहीं खाया, अभी ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है ना, हाँ बीपी हाई हो गई या लो भी होने से हो रहा है, हो गया शुगर ज्यादा बढ़ गया, हम घर भी हो सकते हैं यस, शुगर ज्यादा या ड्रग्स ओवरडोज, दवा ज्यादा, अल्कोहल, ये सारी ऐसी अवस्था यूनिवर्सिटी से पास हुए लोग हैं, 12 इंच टू 20 टू 30 इंच हमें लेकर उठाएंगे, दिस इज कॉल्ड रिकवरी पोजिशन। ये रिकवरी पोजीशन है पेशेंट को जल्दी में होश लाने का ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ब्लड है वो सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा ठीक है, पहला ये। और अगर ये काम ना करे तो एक सबसे सटीक है तो दूसरा तरीका है, सर कपड़ा खोल के निकाल दे उसको हवा लगने से, नहीं बेचारा फिर आपकी खबर नहीं छोड़ेगा ओके। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं, दूसरा तरीका रिकवरी पोजिशन में क्या कहलाता है, तो This is called left ना, right? Okay. Right. तो patient का सबसे पहले ध्यान रखेंगे ऊपर का, यानी ये जो portion right वाला, right leg को उठाओ, fold करो और यूं, ठीक है? आप आराम से रहो। और ये right hand, उसके cheeks तक लगाओ, कहाँ तक? गाल पर, ठीक है? अब patient को आराम से fold करो, fold कर दे, ठीक है? Left side, ठीक है? दिख रहा? खुल गया, अगर ये हटा दोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, अब ये लगाया तो ये खुला, दिस कॉल एयरवे, ये खुला होना चाहिए ठीक है। और ये तरीका आपका 5 से 6 मिनट में रिकवर कर लेगा पेशेंट को। तो दो दिखा रिकवरी पोजीशन, यस, एक दिखा एलिवेट द फीट, पैर को ऊपर उठाया, दूसरा दिखा आपको फोल्ड करने का तरीका मैंने बताया। ये तरीका नॉर्मली आप फोल्ड करके ऐसा भी कर सकते हो, पैर आगे भी बहुत सारे में ऐसा पैर आगे भी कर सकते हो, बट मैंने जो तरीका बताया सिंपल है, एक इंसान चाहे वो पतला से पतला दुबला हो, किसी हेवी इंसान को भी वो फोल्ड कर सकता है, पैर पहले फोल्ड करे फिर हाथ लगाए और पुश करे आराम से। ध्यान रखना अनकॉन्शियस है तो इतना झटका नहीं देना, हो सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़े ठीक है, आराम से। दिख रहा है ये पोजीशन, क्लियर है? दिस कॉल्ड ट्रीटमेंट फॉर द अनकॉन्शियसनेस। अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको रिकवरी पोजीशन ये करते हैं। बट एक क्वेश्चन और भी आता है सर, बहुत से लोग कहते हैं सर एक बात बताओ, अगर होश नहीं आया तो क्या करेंगे, अभी भी नहीं आया क्वेश्चन सर आपके दिमाग में चलता होगा, तो आप ध्यान रखना मैंने क्या बोला था कि आप पहले कॉल करेंगे ठीक है, आप या तो डॉक्टर तक पहुंच नहीं जाते या डॉक्टर आप तक नहीं पहुंच जाता, ये जो टाइम है ना उस टाइम पर ट्रीटमेंट है, क्लियर है?
ठीक है। राइट ही क्यों